بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, welcome to the seventh lecture of Unit 3, The Story of an Invitation. Listen carefully. In the end, Grace did go, a little puzzled and doubtful still, but thankful beyond words to escape the drudgery of the counter and the noise and heat of the city. Bertha went home, feeling a little bit blue in secret, it cannot be denied, but also feeling quite sure that if she had to do it all over again, she would do just the same. The summer slipped quickly by, and finally two letters came to Bertha, one from Aunt Meg and one from Grace. "I've had a lovely time," wrote the letter. "And oh, Bertie, what do you think? I'm to stay here always. Oh, of course. I'm going back to school next month. But this is to be my home after this. Aunt Meg, she makes me call her that, says I must stay with her for good." In Aunt Meg's letter was this paragraph: "Grace is writing to you and will have told you that I intend to keep her here. You know, I have always wanted a daughter of my own, but my greedy brothers and sisters would never give me one of theirs. So I intend to adopt her, Grace. She is the sweetest girl in the world, and I am very grateful to you for sending her here. You will not know her when you see her. She has grown plump and rosy." Bertha folded her letters up with a smile. "I have a vague, delightful feeling that I am the good angel in a storybook," she said. Now students, listen carefully and write down the meanings of difficult words. In the end, आखिर में, Grace did go, Grace चली गई. A little puzzled and doubtful still, थोड़ी हैरान और परेशान थी. In the end, Grace did go, a little puzzled and doubtful still, आखिर में Grace चली गई, मगर थोड़ी हैरान वो परेशान थी. बट थैंकफुल, लेकिन शुक्रगुजार थी. बियॉन्ड वर्ड्स, कुछ कहने से कासिर थी. टू एस्केप, बच निकलने पर. द ड्रजरी ऑफ द काउंटर, काउंटर की सख्त मुशक्क़त से, दुकान की सख्त मुशक्क़त से. एंड द नॉइस एंड हीट ऑफ द सिटी, शोर और गर्मी, शहर की शोर और गर्मी. मतलब काउंटर या दुकान की सख्त मशक्क़त और शहर की शोर व गर्मी से बच निकलने पर इतनी शुक्रगुजार थी कि कुछ कहने से भी कासिर रही. बर्था वेंट होम, बर्था घर चली गई. फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, ब्लू इन सीक्रेट मीन्स परेशान, उदास. बर्था वेंट होम, बर्था घर चली गई. फीलिंग अ लिटिल बिट ब्लू इन सीक्रेट, थोड़ी सी उदासी महसूस करते हुए. इट कैन नॉट बी डिनाइड, इससे इनकार नहीं किया जा सकता. बट आल्सो फीलिंग क्वाइट श्योर, मगर साथ ही पूरी यकीन के साथ समझते हुए. दैट इफ शी हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, कि अगर उसे फिर से ये सब करना पड़े. शी वुड डू जस्ट द सेम, तो वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी. द समर स्लिप क्विकली बाय, गर्मी तेज़ी से गुजरी. एंड फाइनली, और आखिरकार. टू लेटर्स केम टू बर्था, दो खत बर्था को आए. वन फ्रॉम आंट मेग, एक आंट मेग की तरफ से. एंड वन फ्रॉम ग्रेस, और एक ग्रेस की तरफ से. आई हैड अ लवली टाइम, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा. Wrote the letter.
दूसरे ने कहा। लेटर मीन्स दूसरा, मतलब ग्रेस ने कहा। एंड ओह बर्टी, ओह बर्टी, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है? आई एम टू स्टे हियर ऑलवेज, मैं मुझे हमेशा यहाँ रहना होगा। ओह ऑफ कोर्स, यकीनन। आई एम गोइंग बैक टू स्कूल नेक्स्ट मंथ, मैं अगले माह स्कूल वापस जा रही हूँ। बट दिस इज़ टू बी माई होम आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद यही मेरा घर होगा। आंट मिग, शी मेक्स मी कॉल हर डेट, आंटी मिग ने मुझे ये सब कुछ कहा है। सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कहती है कि मैं उनके साथ हमेशा रहूं। फॉर गुड मीन्स हमेशा। आंट मिग, शी मेक्स मी कॉल हर डेट, आंटी मिग ने मुझे ये सब कुछ कहा है। सेज आई मस्ट स्टे विद हर फॉर गुड, कहती है कि मैं उनके साथ हमेशा रहूं। इन आंट मिग्स लेटर वॉज दिस पैराग्राफ, आंटी मिग के ख़त में ये पैराग्राफ था। ग्रेस इज़ राइटिंग टू यू, ग्रेस आपको ख़त लिख रही है। एंड विल हैव टोल्ड यू, और तुम्हें बता दिया होगा। दैट आई इंटेंड टू कीप हर हियर, कि मेरा इरादा है कि उसे यहाँ रखूँ, यानी मेरा इरादा है कि ग्रेस यहाँ पर रहे। यू नो, तुम जानती हो, आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड अ डॉटर ऑफ माई ओन, कि मैं हमेशा चाहती थी कि एक बेटी हो मेरी, मतलब कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी हो। बट माई ग्रीडी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वुड नेवर गिव मी वन ऑफ देयर्स, लेकिन लालची भाइयों और बहनों ने कभी भी नहीं दिया अपनी एक बेटी या बेटा। यानी लालची भाइयों और बहनों ने मुझे एक भी बेटा या बेटी नहीं दी। सो आई इंटेंड टू अडॉप्ट ग्रेस, इसलिए मेरा इरादा है कि ग्रेस को अपना बना लूँ। शी इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और मैं तुम्हारी बहुत मशकूर हूँ। फॉर सेंडिंग हर हियर, उसे यहाँ भेजने के लिए, मतलब उसे यहाँ भेजने के लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यू विल नॉट नो हर, आप उन्हें पहचान नहीं पाओगी। व्हेन यू सी हर, जब उसे देखोगी। शी हैज़ ग्रोन प्लम एंड रोजी, वो बहुत सुर्ख सफ़ेद और तंदुरुस्त हो गई है, मतलब बहुत सेहतमंद हो गई है। बता फोल्डेड हर लेटर्स अप विद अ स्माइल, बता ने एक मुस्कुराहट के साथ ख़त बंद किया, ख़त फोल्ड किया। आई हैव अ वेग डिलाइटफुल फीलिंग दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, शी सेड, मुझे एक हल्की सी खुशी का एहसास हो रहा है। आई हैव अ वेग, मतलब एक हल्की सी खुशी का एहसास हो रहा है। दैट आई एम द गुड एंजल इन अ स्टोरी बुक, शी सेड, कि मैं कहानियों की एक किताब की अच्छी परिश्ता हूँ, उसने कहा। स्टूडेंट्स, दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 3, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स, योर होमवर्क, लिसन केयरफुली। वुड यू से दैट बर्था रियली वॉज अ गुड एंजल? लिसन अगेन, वुड यू से दैट बर्था रियली वॉज अ गुड एंजल? लिसन केयरफुली, वुड यू से दैट बर्था रियली वॉज अ गुड एंजल? स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 3, द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। وزدنا علما.